असलकम हाउ आर यू ऑल मेरी दुआ है कि आप सब लोग जो हैं खुश होंगे हैप्पी होंगे और यस माय यूट्यूब लर्नर्स माय लवली स्टूडेंट्स आई होप कि आप सब ठीक हों और आप नित नए जो है वर्ड सीख रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं इस दुआ और विश के साथ ही आई एम योर टीचर यूट्यूब ट्यूटर हमारा And I'm going to teach you a BSC essay end of the road, and it is written by Muhammad Asad. But before you go anywhere, just subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get updated about the upcoming videos. Okay, so. Uh, बी और बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है फाइनली एक साल के डिले के बाद 2020 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर गोइंग टू टेक देयर एग्ज़ाम्स फ्रॉम फोर्थ फेब और थर्ड uh, ईयर के फोर्थ फैब से और उसके बाद रिस्पेक्टिवली नाइनटीन फेब से आई एस फोर्थ ईयर के हैं तो मेरी दुआ है कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हों लेकिन साथ ही ये एडवाइस है कि आपको एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन के लिए कमर कस लेनी चाहिए और मेरा चैनल जो है ये हाजिर है इसको सब्सक्राइब करें देखें अपने सेलेबस रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाएं और रेलेवेंट वीडियोस निकाल के उनको अच्छे से सुने अंडरस्टैंड करें और अच्छे अच्छे पेपर्स दें ओके तो बात करते हैं आज के चैप्टर की ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है बिलीव मी आप जो है यू विल लव इट कि एक आ, आ, हमने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारा पेपर पर्सपेक्टिव है उससे तो हमने इसको स्टडी करना ही है और हमने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि अगर एनी क्वेश्चन कम्स फ्राम दिस चैप्टर तो वो हमें बहुत अच्छे से आता हो लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्परेशन है हमारे कैरेक्टर की ट्रेनिंग है हमारे लिए तरबियत का भी पॉइंट है ठीक है तो आपका टेस्ट डेवलप करने के लिए हम सबसे पहले जो है ऐसे को थोड़े से दो तीन पैराग्राफ रीडिंग कर लेते हैं ताकि मेरा टेस्ट भी थोड़ा सा सेटिसफाई हो जाए और आप लोगों को भी इंकरेजमेंट मिले कि टेक्स्ट रीडिंग करना जरूरी होता है और करनी चाहिए मोहम्मद असद जो है वो एक मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया है इससे पहले वो क्रिश्चियन थे ईसाई थे इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने इस्लाम की खिदमत के लिए फॉर द सर्वस ऑफ इस्लाम ही डिवोटेड ऑल लाइफ एंड ही रोट मेनी बुक्स ऑन इस्लाम और वो एक वास्ट टेस्ट के मालिक इंसान थे कि हर जगह गए घूमे फिरे इस्लाम की तब्लीग की बहुत से खितों में गए लेकिन वो ईसाई से इस्लाम की तरफ कैसे आए और मक्का की तरफ जो उनका पहला सफ़र था जो मोहम्मद असद राइटर हैं कैसे वो इस्लाम की तरफ आए और किस तरह से जो वो है यूरोप से मक्का की तरफ उन्होंने सफर किया तो लेट स्टार्ट द चैप्टर वी राइट एंड एवरी स्टेप ऑफ द ड्रामेडरीज ब्रिंग्स अस न्यूर टू द एंड ऑफ आर रोड यहाँ पे जो एंड ऑफ रोड है ये बहुत सिम्बॉलिक है कि यहाँ पे सड़क के सफ़र के अख्ताम की बात हो रही है जैसा कि इस दुनिया में इस वर्ल्ड के अंदर एवरी पर्सन इज़ इन ट्रैवल और हर एक को है कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है लेकिन एक्चुअली लाइफ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन इट इज़ अ रोड इट इज़ अ जर्नी ये कंटिन्यूस जर्नी है जो डेस्टिनेशन है वो कबर है तो ये जो रोड है वो कहता है मैं उसके एंड तक आ गया लेकिन ये सिम्बॉकली हम उसको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं लेकिन अभी चैप्टर पढ़ते हैं

देर हैज़ नेवर बीन एनी अदर रोड फॉर मी ऑल दो आई डि नॉट नो इट फॉर मैनीयर्स मेरे लिए और कोई रास्ता था ही नहीं अगरचे कि मुझे इसके बारे में सालों से पता ही नहीं था हैज़ ऑलवेज बीन माई गोल और मक्ा जो है वो हमेशा से मेरी मंजिल रही है इट कॉल टू मी ये मुझे बुलाता था लॉन्ग बिफोर माई माइंड बिकेम अवेयर ऑफ इट उससे बहुत पहले कि मेरा जहन इससे बाखबर हुआ इससे बहुत पहले ये मुझे अपनी तरफ बुलाता था विद अ पावरफुल वॉइस एक अपनी भरपूर आवाज के साथ माई किंगडम इज़ इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज इन दर्ल्ड टू कम मेरी जी जो बादशाहत है जो जो सल्तनत है इस दुनिया में भी है और आने वाली दुनिया में भी है यानी आखिरत में भी है माई किंगडम वेट्स फॉर मैं बॉडी एज वेल एज फॉर हिज सोल मेरी जो सल्तनत है वह इंसान के जिसम और उसके रूह दोनों की मंतजर होती है एंड एक्सटेंड्स ओवर ऑल दैट ही थिंगस एंड फील्स एंड ही डज हिज कम कॉमर्स एज वेल एज हिज प्रेयर और इसकी जो एक्सटेंशन है यानी कि ये हर जगह पे फैला हुआ है जहाँ तक वो सोचता है महसूस करता है उसकी तिजारत है उसकी इबादत है हिज़ बेड चैम्बर एज वेल एज हिज़ पॉलिटिक्स उसकी अपनी ख्वाब गाह जो है नमाजों को इसकी ख्वाब गाह को सियासत को अमल में लाती है यानी हर चीज तक ये जो है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है काबा वो फैला हुआ है माई किंगडम नोज नीदर एंड नोट लिम्ट्स मेरी जो सल्तनत है इसकी ना तो कोई हदें हैं और ना ही इसका कोई इखताम है एंड वेन ओवर मिलियन नंबर ऑफ़ व्ययर्स ऑल दिस बिकेम क्लियर टू मी और बहुत सालों तक जब ये मुझे वाज हो गया आई न्यू वेयर आई बिलोंग तो मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ यानी मेरा ताल्लुक कहाँ से है आई न्यू द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम हैड बीन वेटिंग फॉर मी एवर सेंस और मुझे पता था कि इस्लाम का भाईचारा मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था एवर सेंस आई वॉज बॉन्ड जब से मैं पैदा हुआ था एंड आई एम्बरेस्ड इस्लाम और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया द डिज़ायर ऑफ़ माई अर्ली यूथ टू बिलोंग टू अफिनेट ऑबिट ऑफ आइडियाज़ और मेरी ये ख्वाहिश uh, मैं एक मखसूस दायरे से ताल्लुक रखूँ ये पूरी हो गई टू बी पार्ट ऑफ अ कम्यूनिटी फुलफिल्ड और एक किसी बरदराना मुआरे का हिस्सा बन जाऊँ ये मेरी ख्वाहिश आखिरकार पूरी हो गई तो ये खूबसूरत इस चैप्टर के बहुत खूबसूरत पहले दो पैराग्राफ हैं जिसमें उसकी ख्वाहिश उसकी इंस्पिरेशन उसकी बताई गई है उसके दिल की तमन्ना बताई गई है कैसे वो ही वॉज लॉन्गिंग फॉर इस्लाम ही वाज लॉन्गिंग फॉर काबाबा उसे बुला रहा था अपनी तरफ कैसे उसके लिए वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था उसके लिए वो ऑबिट था यानी दिल में तमन्ना हो जैसे कहते हैं ना प्यास लगी हुई हो तो पानी मिल जाता है इसी तरह अगर यू हैव दैट फीलिंग्स इन योर हार्ट तो आप उस जगह तक पहुंच जाते हैं तो इसी तरह जो मोहम्मद असद पहले एक क्रिश्चन था तो वह जब इस्लाम की तरफ आया तो इस्लाम से पहले उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चन थे और एक स्पेस थी एक गैप था और उसको फिल होना था और किसने फिल करना था इस्लाम ने काबा ने और इस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ने तो ये बहुत खूबसूरत है रीडिंग इसलिए की है कि आपका थोड़ा सा टेस्ट बने टेम्परामेंट बने मूड बने ताकि आप पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए थोड़ी सी हिम्मत करें क्योंकि आप इसको श्योरली बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे अब हम आते हैं चैप्टर के एनालिसिस की तरफ और इसको हम वन पॉइंट वन बाय वन मैंने टॉपिक्स लिखे हैं कि हम ये वाले जो हैं टॉपिक्स अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह उन्होंने यूरोप से जद्दा और फिर जद्दा से मक्का की तरफ सफ़र किया यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है जर्नी फ्रॉम यूरोप टू जद्दा कि यूरोप से जद्दा वो कैसे पहुँचे और किस तरह पहुँचे ठीक है मोहम्मद uh, असद जो कि यूरोपियन क्रिश्चियन थे उन्होंने बहुत सारे सफ़र किए और मक्का जो है वो उनकी सबसे फेवरेट प्लेस थी 1927 में इन द स्टार्ट ऑफ जनवरी उन्होंने मक्का का सफ़र किया उनके साथ उनकी बीवी एलसिया एलिसा uh, और उनका बेटा भी था और जब उन्होंने मक्का की तरफ सफ़र किया तो उनकी जो एज है वो इट वाज हार्डली अबाउट थर्टी इयर्स यानी तीस साल से भी कम थी वो सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि किस तरह जो है वो बराह रूम से गुजरे किस तरह वो कभी कभार केबन से उठ के श्रेप लास्ट जो डेक होता है जहाज का वहाँ चले जाते और जो पैसेंजर्स हैं जो चाइनीज़ पैसेंजर्स हैं उनको देखते और जो मुसाफर हैं ट्रैवलर्स हैं उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो वर्कर्स हैं मज़दूर हैं वो यूरोप में अपना काम करने के बाद घरों को वापस जा रहे हैं और उनके जहाज़ में कुछ अरब लोग भी सवार थे और वो जो एक जगह है मार्सलिस शहर है वहाँ से बैठे थे और वो घरों को वापस जा रहे थे Uh, कुछ लोगों ने वहाँ कफ़ाया की एक किस्म की पगड़ी पहनी हुई थी और वो मगरबी हैट से आज़ाद थे जब मुसनफ़ जो है जो हमारा राइटर है वन ही रीश जद्दा तो वो पहली दफ़ा ही इन टू द बाजार्स ऑफ जद्दा बाजार्स जो हैं उन, उनको एक तरह के टाट के कपड़ों से कवर किया हुआ था और क्या मकसद था ताकि लोग हैं स्कॉर्चिंग हीट से बच सकें अपनी चीज़ों को बचा सकें और जद्दा के जो बाज़ार हैं वो ज़्यादा डिसऑर्डर में थे ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे और कुछ जो हफ्ईी लड़के हैं नैगरूज हैं वो कोयलों के ऊपर सीखें बना रहे थे गोश्त भून रहे थे और छोटे छोटे बर्तनों की दुकानें थी यानी छोटी छोटी दुकानें थी बहुत ज़्यादा फ्लरिश प्लेस नहीं थी फ्लरिश दुकानें फ्लरिश बाज़ार नहीं थे और बाजार में हर तरफ जो है मछली की स्मेल फैली हुई थी देवर सो मेनी पीपल इन बाज़ार एंड द पीपल हु केम फॉर हज दे वर ऑफ एवरी कलर क्रीड कास्ट यानी कि कोई एक तरह के नहीं थे मुख्तलिफ रंग जुबान नस्ल, जात के थे और जो राइटर है व्हेन ही रीच ज़द्दा, ही वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय द क्राउड देयर कि ये सिर्फ इस्लाम की ही ताकत थी इट वाज़ द पार्ट ऑफ इस्लाम दैट हैज़ मेड पीपल टुगेदर एट वन प्लेटफॉर्म, मक्का, खाना कबा जहाँ पर मुख्तफ नसल के जो लोग हैं वो आए भी हैं लेकिन यहाँ पे आके देव ओनली वन टैग वन ब्रेंड दैट इज़ इस्लाम दैट इज़ मुसलमान सो so, इस्लाम ही है जो ये सारे तजद जो है वो ख़त्म कर देता है फिर जो राइटर की जर्नी है जद्दा से मक्का की तरफ वो बहुत बामकसद रही थी वो शाम की तरफ शाम के वक्त रवाना हुई और इन्हें रास्ते में बहुत से ऊँट दिखाई दिए द वो दनी कैमल्स जिन पर पैसेंजर्स और उनका जो लगेज है वो लोड किया हुआ था कुछ सऊदी जो आ, मोटर कारें हैं वो भी जा रही थी और उनकी जो हॉर्न्टों को खौफजदा कर देती थी तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने दिखाया है फ्रॉम वन एज टू अनदर एज शिफ्टिंग हो रही है फ्रॉम द एज ऑफ कैमल्स फ्रॉम द एज ऑफ हार्ड लेबर टू द एज ऑफ मशीन्स टू द एज ऑफ मोटर कार्स एक सिविलाइजेशन जा रही है और दूसरी आ रही है यानी एक ख़त्म होती है तो दूसरी आती है साइड बाय साइड वो दोनों तहजीबें चलें बट एट द टाइम अब जो है ऊँट वहाँ पे नहीं होते हैं यानी ये सफ़र के लिए नहीं इस्तेमाल होते कम्पलीटली कारों ने रिप्लेस कर दिया है फिर शहर के बाद वो सहरा में आ गए और सहरा में चूँकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो दूर दूर तक सहरा फैल हुई हैं कांटेदार झाड़ियाँ हैं खुशकी है घास है, है, है वीरानी है तो अब जो है मुसाफिर कतार दर कतार चल रहे हैं वो रात को ज़्यादातर सफ़र करते दिन में सो जाते दिन में आराम करते क्योंकि दिन के वक्त सफ़र करना बहुत ही मुश्किल होता था यहाँ पे मक्का की तरफ़ सफ़र करते हुए मुसनफ़ को एक थोड़ा सा फ़ैंसी सी फील हुई इमेजिनेशन सी आई जहाँ पे उन्हें थोड़ी सी आंख लगी तो लगा कि वो किसी पुल पे खड़े हुए हैं पुल सिराड टाइप मतलब एक ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं और ब्रिज की जो वास्टनेस है दैट इज़ नेवर एंडिंग और उसके दरमियान में वो खड़ा है और उसकी दो इंतहाओं के दरियान यानी एक साइड पर दूसरी इंतहा है, और दूसरी साइड पर दूसरी इंतहा है, और वो बिल्कुल दरमियान में है तो वह बहुत बहुत खौफसुदा हो गए और उन्हें लगा कि एक अनलिमिटेड टाइम तक वो इसी पोजीशन में खड़ा रहेगा और ये कैफियत पता नहीं कब होगी जब एक इजिप्शियन लेडी जो है इजिप्शियन वेमन ने उन्होंने पुकारना शुरू कर दिया लब्भक अल्लाहुम्मा लब्भ और ही ब्रोक हिज ड्रीम और उनका जो ख्वाब है वो बिखर गया ख़त्म हो गया मतलब वो जाग गए अपने ख्वाब से फिर जो है ये वाला काफिला ये जो जा रहा है सफ़र कर रहा है ये बहिरा के मकाम पर पहुंचता है वहाँ बहुत ज़्यादा दिन के वक्त गर्मी है और वो रात के वक्त सफ़र कर रहे हैं गांव में कुछ कुछ हट्स भी बनी हुई थी एक छोटी सी मस्जिद भी थी और ये जगह रवायती तौर पर ट्रडिशनली क्याम करने की जगह थी ये मक्का और जद्दा के दरम्या का रास्ता है और हाजी रात के सफ़र के दरमियान से बहुत थक जाते थे रात को सो रात को सफ़र करते थे और थके हुए होते थे तो दिन के वक्त थोड़ा सा आराम करते थे यहाँ ये जो है सफ़र में बयान कर रही थी ये जद्दा से मक्का की तरफ था अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ जो है राइटर्स विज़िट टू काबा काबा का विज़िट काबा को उन्होंने कैसा पाया काबा के बारे में एक पिक्टोरल इमेजेस पिक्चर जो है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में से खींचता है और वो कहता है कि जैसे कि पहले पैराग्राफ में वो कहता है ना कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आर्बिट तो यहाँ पे वो कहता है कि बहुत ही ख़ूबसूरत और क्लियर पिक्चर पेश करता है कि किस तरह पीपल बिलोंगिंग टू ईच एज ईच एवरी एज एवरी कलर डिफरेंट कलर डिफरेंट एज डिफरेंट कास्ट क्रीड लेकिन एट द टाइम ऑफ हैज आर बाउंडेड इन वन

उन्होंने अपना एक वहाँ पे मुतवाफ़ जो है जो गाइड है हसन आबद उनको उन्होंने हायर किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपना सफ़र जो है शुरू किया और उसके बाद वो गलियों में इस मुक़दस शहर में गए वहाँ पे गलियों में देखा वहाँ पे गोश्त है सब्ज़ियाँ हैं और जो दुकानें हैं वो थोड़ी मामूली सी हैं बहुत सादा सी हैं अगर उन्हें कंपेयर किया जाए वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका से फिर जो है शायर ने जो सॉरी हमारे राइटर है उसने लोगों का एक समंदर देखा देर वॉज अ वास्ट सी यूज सी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशंस यहाँ पे वो बताता है कि लोगों के हाथों में तस्बीहात हैं मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल से मुख्तलिफ मुल्कों से तल्लक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके इसी तरह मुख्तलिफ जो ड्रेसिंग्स हैं और मख्तलिफ़ उन्होंने अबायाज़ पहने हुए हैं बुरकाज़ पहने हुए हैं ख़ीन ने कुछ ने जो है वो नकाब पहने हुए हैं मिसरी औरतों ने बुरके पहने हुए हैं और जो आ... आ, वो ऐसे लग रही थी जैसे दे व वॉकिंग टेंट्स और टम्बुक टू से आने वाले वो इंडिगो ब्लू कलर के ड्रेस में पहने हुए थे चाइनीज़ जो ख़वातीन हैं उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड बटरफ्लाईज जैसे ड्रेसेस पहने हुए थे और तमाम जो हाजी हैं ऑल द पिलग्रम्स वम्प्रेसड बहुत ज़्यादा वो मुतासर थे एंड देवर आर्ट बाई द्यूज क्राउड ऑफ पीपल और फिर उसकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ख्वाब था काबा को देखना काबा को छूना काबा का विजिट करना काबा के पास जाना वो पूरा होने जा रहा है और आगे वो जो ब्यूटी ऑफ काबा है और उसकी खूबसूरत डिपिक्शन है वो इन अल्फाज में और बहुत खूबसूरत अंदाज से करता है कि ही हैज़ डिपिक्टेड एंड पोट्रेट द पिक्चर ऑफ काबा इन फ़ैसिनेटिंग कलर कि इट वॉज़ हिज़ गोल जैसे कि पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा ना कि काबा वॉज माई गोल इट वॉज हिज बिलोंगिंग ही वॉज़ बिलोंग टू काबा फॉर मेनी जीयर्स कि उसे लगता था कि वो बहुत ही सदियों से बहुत ही जब से मतलब उसके जहन में यह अवेयरनेस आई उससे भी पहले वो काबा से बिलोंग करता है एंड टू रीच दिस गोल काउंटलेस पिलग्राम्स हैंड मेड हैवी सेक्रीफाइस थ्रू आउट द एजेस और इन इस सफ़र तक पहुँचने के लिए बहुत से लोग बहुत सी कुर्बानियाँ भी देते हैं और बहुत से रास्तों में ही मर जाते हैं बहुत से पहुँच भी नहीं पाते और बहुत को मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर कोई जो भी मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा है उसके लिए काबा जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा एक मिलत का पासबाँ या जिसे कहें ना एक एपिक्स है वो है तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है मकसद पूरा होने जा रहा है फिर वो कहता है जब वो काबा के पास पहुंचा ही रीच्ड बिफोर वन ऑफ द गेट्स ऑफ द हरम द होली मास जब वो मस्जिद हरम के आ, दरवाज़े के पास पहुंचा तो ये ट्रिपल आर्क गेट था जिसके ऊपर सीढ़ियां पत्थरों से बनी हुई थी और ये बहुत चार कोनों वाला साइड पे पिल्ल थे कोलेस्टर्स थे सेमी सर्कल्स थे दायरे थे ऐसे महराबें बनी हुई थी इस तरह का था एंड uh, फिर उसने कुछ कुरान से लिखी हुई वर्सेस देखी आयात देखी एंड इट रिफ्लेक्टेड पीस एंड सरनिटी एंड ह्यूमिलिटी बिफोर गॉड कि इंसान की जो आजजी है उसने अल्लाह ताला वो कहता है कि जैसे इस इंसान ने जिसने इसे बनाया है ना और जो जाते हैं वहाँ पे वो अपनी यूमिलिटी शो करते हैं कि अल्लाह हम हाजिर हो गए हम आ गए तो हम एग्जैक्टली exactly जो है वो बोले वर्ड्स देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने काबा की डिपिक्शन की है और काबा को बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है उसके बाद कि उस मैदान में वहाँ पे हर मुल्क से हर तरह के लोग हर तरह के लिबास पहनने वाली खातिन मौजूद थी उनके हाथों में तस्बीहात वगैरह थी तो काबा के बारे में जो उनके वर्ड्स हैं वो ये हैं हम टेक्स्ट में से देखते हैं देयर इट्स टूड ऑलमोस्ट अ परफेक्ट क्यूब एज इट्स अरबिक नेम covered एंटायरली कवर्ड विद ब्लैक quiet क्वाइट in the ब्रोकेड means गलाफ ओकेट आई लैंड इन द मिडल ऑफ द वास क्वाडर एंगल मच क्वाइटर दैन एनी अदर वर्क ऑफ आर्किटेक्चर एनी वेयर इन द वर्ल्ड तो यह वो अल्फ़ाज मोहम्मद असद ने काबा को देख के बयान किए कि उसने दुनिया की तमाम मसाजिद को देखा हर खत्े की मस्जिद को देखा लेकिन इतना बेहतरीन वर्क ऑफ आर्ट जो है जो इट्स सेल्फ प्रोनाउंस कर रहा हो खुद इट्स ब्यूटी इट्स एलिक्यूंस इट्सिटी इट्स यूनिटी इट्स रेनाउंसिएशन बिफोर अल्लाह ऑल माइची ये सिर्फ काबा ही था जिसे क्वाडर एंगल और क्यूब ऑफ स्टोन की सूरत में बनाया गया है जो कि एक अल्लाह ताला के इंसाफ को इंसान की आजजी को बयान करता है थ्री डायमेंशनल इमेज फार्म जो है इमेजिनेबल क्यूब की वो शो करती है कि इंसान जो है वह अल्लाह ताली के सामने बेबस है आजज़ है और अल्लाह ताली की जुजात है दैट इज़ ओमनी पॉटेंट एन ओमनी प्रजेंट एंड फिर जो है वो कहता है ये अल्लाह ताला के एहसास की तर्जुमानी ही है बेसिकली ये काबा है ये अल्लाह ताला की फीलिंग्स अल्लाह ताली के एहसास की तर्जुमानी है क्योंकि इंसान जिसने इसे तामीर किया वो उससे हट नहीं सकता था जो अल्लाह ताला चाहते थे या जो अल्लाह ताला ऐसा दिखाना चाहते थे काबा को उसने बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वैसा ही काबा को तामीर किया जैसे अल्लाह तु है चाहते थे या जैसा हो सकता था बेहतरीन अल्लाह पाक की नज़र में वकी सिंपलिसिटी है और इसका एक जो मकब नुमा स्टोन हैं क्यूब स्टोन्स हैं ये इंसान की सरेंडर सेल्फ़ सरेंडर सिम्पलिसिटी ह्यूमिलिटी और इनउंसिएशन को शो करती है और प्राउड मोडेस्टी और इसका कोई कंपेरिजन नहीं है ऑन दिस अर्थ दिस इज़ मैचलेस फिर हमारा जो है वो टॉपिक है व्यूज़ ऑफ साइंस और फिर राइटर का जो है अपना एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि राइटर जो है वो साइंस के बारे में क्या कहता है ओके okay, जी तो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक व्यूज ऑन साइंस साइंस के बारे में उसका जो सबसे बड़ा नजरिया है वो कहता है कि साइंस इज नीदर वेस्टर्न नॉर ईस्टर्न कि ना तो साइंस मशरक वालों की है और ना ही मगरब वालों की है साइंस इज अ जनरल फिनोमेना जैसे वो कहता है ना कि इस्लाम जो है दैट इज लाइक यूनिवर्सल ये सबके लिए है और ये ऐसा रिलीजन है कि जो पूरी यूनिवर्स को एट वन सेंटर यूनाइट करता है इसमें कोई मशरक मकरब नहीं है इसमें कोई काला गोरा नहीं है इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है बल्कि ये एक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट है और वो कहते हैं वो क्यों इस्लाम की तरफ आया यानी क्या पॉइंट उसके माइंड में था या किस पॉइंट ने उसे अट्रैक्ट किया इस्लाम की तरफ वो था ब्रदरहुड का भाईचारे का सेक्रीफाइस फॉर ईच अदर का कि जो जो भाईचारे का कॉन्सेप्ट है उसने इसे इस्लाम की तरफ रागब किया और फिर वो साइंस के बारे में कहता है कि साइंस जो है वो ना तो ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है मुसलमान जो है वो इससे बहुत कुछ सीख सकता है बहुत कुछ कर सकता है और ये जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ होती हैं दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन कि जितने भी सिविलाइजेशन तरक्की करती है जितने इसमें चेंजेस आते हैं जैसे कि अब ऊँटों की सिविलाइजेशन थी तो उसके साथ लोगों के रहन सहन बोलने चालने का तरीक़ा चलने फिरने का तरीका लोगों के तमाम टाइमिंग्स तमाम जो लाइफ रूटीन है ऑल इज़ जस्ट डिस्क्राइब बाई दीज ना कि उससे फिर क्या हुआ मोटर कार्स आ गई और वो भी एक साइंस का करिश्मा है कि मशीन्स आ गई गाड़ियाँ आ गई तो फिर जो सिविलाइजेशन है वो वैसी नहीं रहेगी जैसे ऊँटों के दौर में होती थी ये पॉइंट आप लोगों को आई गेस समझ आ गया होगा कि किस तरह सिविलाइजेशन को चेंज करने में रोल अप करने में साइंस बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है ये एग्जाम्पल्स मैंने बिल्कुल इसी हिस्से से दी है कि फ्रॉम मैन टू मैन फ्रॉम एज टू एज फ्रॉम एरिया टू एरिया सिविलाइजेशन जो है प्रॉस्पर कर प्रॉस्पर करती है प्रोग्रेस करती है ये कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व करती रहती है यानी चेंजेस इसमें आते रहते हैं और इसमें चीज़ें ऐड होती रहती हैं माइनस होती रहती हैं

इसको इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इसमें बहुत ज्यादा फ्लरिश करें आगे आए इस तरक्की में हिस्सा डालें एडवांसमेंट को अपनी तमाम फील्ड में अप्लाई देखते हैं कि किस तरह राइटर को सम अप कर लेते हैं थोड़ा सा कि राइटर्स के जो अपने व्यूज है इस साइंस इस्लाम के बारे में साइंस के बारे में क्या ये जो है इसका एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है बिकॉज ही वॉज एन एथीस्ट ही नॉन मुस्लिम नॉट एथीस्ट ही नॉन मुस्लिम ही वॉज क्रिश्चियन तो ईसाई होने की हैसियत से उसका इस्लाम और अल्लाह ताला से कॉन् कौन, नहीं था ताल्लुक नहीं था फिर वो आहस्ता आहिस्ता इस्लाम की तरफ़ आया उसके माइंड में पहले से बहुत से क्वेश्चंस थे वो कोई ऐसा रास्ता करना चाहता था जो उसका एंड हो लाइक कि उसके अलावा उसे किसी और की तरफ ना जाना पड़े जो उसकी मंजिल की तरफ पता देता हो और जो उसका वाज ऐसा रस्ता हो जो उसे इस्लाम से कनेक्ट करता हो और एक सही सोचों का महवर देता हो और इंसानियत का एहसास दिलाता हो तो सिर्फ इस्लाम ही था ऐसा जो उसका सेंटर बना एपिक्स बना और आर्बिट ऑफ लाइफ बना और उसमें वो कहता है मेरा सबसे जो दरमिया पॉइंट यह था काबा को विजिट करने का था काबा मेरा गोल रहा है हमेशा से काबा मुझे बुलाता था अपनी तरफ तो uh, काबा के बारे में उसकी फैसिनेशन, फिर किस तरह उसने काबा को बयान किया है और फिर किस तरह वो कहता है कि मुसलमानों का जो भाईचारा है दैट इज़ जिस्ट ऑफ एवरी ये इस्लाम का जिस्ट है तो ये रिलिजन पीस का है सरिनीटी का है मोहब्बत का है दोस्ती का है भाईचारे का है तो बहुत ही पॉजिटिव व्यूज़ हैं इस्लाम के बारे में मुसलमानों के बारे में और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है फ्रॉम इन नॉन मुस्लिम टू तो बीइंग अ मुस्लिम और फिर किस तरह उसने खाना काबा विज़िट किया इस चैप्टर के तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ये हैं कि एक खाना काबा की डिपिक्शन उसके साथ स्पिरिचुअल जो स्परिचुलचुएशन लव और एक स्पिरिचुअल वो है बिलोंगिंग्स और किस तरह वो इस क्रिश्चन से इस